आज प्रधानमंत्री पंजाब आने वाले थे, बड़ी रैली करने वाले थे और पंजाब को बड़ी सुगातें देने वाले थे, हॉस्पिटल देने वाले थे, फ्रेट कॉरिडोर देने वाले थे, किसानों के लिए बड़ा ऐलान करने वाले थे और पंजाब के लिए बड़ा ऐलान करने वाले थे। पर पंजाब कांग्रेस की सरकार ने पीएम को वहां पहुंचने नहीं दिया। कितना शर्मनाक कारा है, अगर देश का प्रधानमंत्री देश में किसी जगह जा ना पाए, रुकना पड़ जाए सिर्फ 100-200 आदमियों के लिए 20-20 मिनट तक, और बोल दिया जाए आगे जा नहीं पाओगे, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा जा रहा था, तीन तीन काफले बनाकर निकल रहे हैं। ऐसी कानून व्यवस्था है पंजाब की, पंजाब के सीएम और गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। डीजीपी पंजाब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा ही आतंक हो चुका है। अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं सुरक्षित पंजाब में, तो कौन सुरक्षित है? यहाँ पे राष्ट्रपति राज लगा देना चाहिए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि ये सरकार विफल हो चुकी है। अपने एजेंडा चलवाना चाहती है जिसको देश नहीं बर्दाश्त करेगा।